हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी फैशन बुटीक। तो आज हम बेल स्लीव्स बनाना सीखेंगे, जिसका मेजरमेंट है बाजू की लंबाई 17, अपर पार्ट 11, बेल 6, बाजू की गोलाई 10, आर्म होल 14। तो आज हम बेल स्लीव्स बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो अपने फर्स्ट पार्ट में हम मार्किंग और कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा है ये हमारा अपर पार्ट की कटिंग के लिए है और ये स्लीव्स में बेल लगाने के लिए है। तो हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। हमारी बाजू की टोटल लंबाई है 17। सबसे पहले हम यहाँ से इवन मार्क कर लेंगे। टोटल लंबाई है 17, उसमें से अपर पार्ट है 11 इंचेस। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 11 इंचेस के लिए हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से सिलाई के लिए। ये हमने 12 इंच पे मार्क किया। ऊपर से 3 इंचेस डाउन करेंगे, इधर से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों मार्क को आपस में जॉइंट करेंगे। ये जो मार्क है यहाँ पर हमें आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल है हमारा 14, 14 का हाफ होता है 7। तो हमें यहाँ पर 7 इंच ये आर्म होल का मार्क हो गया और ये हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। बाजू की गोलाई है हमारी 10, इसका हाफ होता है 5 और ये 1.5 इंचेस सिलाई के लिए मार्जिन। तो हम इस मार्क को इस मार्क से जॉइंट कर लेंगे। ऊपर से हम स्लीव्स की गोलाई की शेप देते जाएंगे। अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से और पूरा यहाँ से। तो ये हमारा अपर पार्ट कट हो गया है। अब हम इसके नीचे की बेल कट करेंगे। उसके लिए हम ये कपड़ा लेते हैं। इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है डबल करके। इस बाजू के नीचे के बेल्स कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है डबल कपड़ा करने के बाद। तो हमारी बेल की लंबाई थी 6। सबसे पहले हम बाजू की गोलाई के अकॉर्डिंग कट करेंगे। बाजू की गोलाई है हमारी 10, तो 10 इंच की गोलाई के लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच डेढ़ इंच का गोल कट करना है और यहां से लेंगे बाजू की गोलाई। बेल की स्लीव्स है 6, तो हम लेंगे 7।
हाफ इंचेस सिलाई के लिए ऊपर मार्जिन में जाएगा, हाफ इंचेस नीचे, यही 7 इंचेस, यहाँ से 7 इंचेस, अब हर जगह से 7 इंचेस का मार्क करके राउंड शेप बना देंगे। अब इन सारे मार्क्स को आपस में जोड़ते हुए, सभी मार्क जोड़ते हुए एक राउंड बना लेंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए हमारे दोनों बेल्स एक साथ कट चुकी हैं। इन्हें अपनी स्लीव्स में हम इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह। तो ये हमारी कटिंग फाइनली हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप में हम सबसे पहले स्टिच करेंगे अपना अपर पार्ट। अपर पार्ट की स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको आर्म होल की शेप बता देती हूँ आगे से। ये हल्की सी आर्म होल की आगे की शेप देंगे पहले। अब इसको नॉर्मल बाजू की तरह यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने स्लीव्स की सिलाई लगा ली है, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस एक सिलाई लगानी है फिटिंग का नाप लेते हुए, जिसमें हमारा आर्म होल 14 था तो ये है 7, और इसका बॉटम था 10 तो ये है 5। ऐसे ही सेम हमने दोनों स्लीव्स सिल ली हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन बेल्स को रेडी करना। सबसे पहले हमें इन बेल्स को रेडी करने के लिए इन कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से इस तरह पूरा फोल्ड कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी किनारे को ऐसे मोड़ लिया है, किनारे से पतला पतला। आप चाहे तो पीको भी करा सकते हैं या कोई पतली लेस भी लगा सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपली बनाया है। अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है इन बेल्स को स्लीव्स के साथ जोड़ना। मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाती हूँ। इसको जोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, बस इसको इसके साथ ऐसे पकड़ना है इस तरह, और बस सिल देना है आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। हमने इसको यहाँ से जोड़ लिया है। ये दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो गई है, दोनों को फाइनली अच्छे से जोड़ लिया है हमने। आप चाहे तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, पीको कर सकते हैं, जो आपको फाइनली अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।